लौट आया है सूर्या का तूफान, तिलक वर्मा ने दिखाया भरोसा, कुलदीप की धारदार गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज निट्टे के घुटने। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में दमदार वापसी की है। दोस्तों हम आपको बता दें, 5 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर दमदार वापसी कर ली है। टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बैटिंग की और उन्होंने 44 गेंदों में 83 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। अपनी इस पारी में सूर्या ने 10 चौके और 4 बेहतरीन छक्के भी लगाए। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के खेल में 5 विकेट पर 159 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 164 रन बना लिए और मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों हम आपको बता दें, वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार तीसरी बार टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप रही। दोस्तों ईशान किशन और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन भारत का पहला विकेट सिर्फ 6 रन के स्कोर पर गिर गया। ईशान किशन की बात करें तो मैच में सिर्फ वह 1 रन बना सके, वहीं शुभमन गिल 6 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन और शुभमन गिल के जल्द आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने पारी को अच्छे से संभाला। दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली, जिस कारण शुरुआती झटके के बावजूद टीम इंडिया ने पहले 6 ओवरों में 50 रन से ऊपर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों हम आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया। कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज ने टेके घुटने। कुलदीप यादव ने पिछले मैच के हीरो रहे निकोलस पूरन और ब्रेंडन किंग को अपने 1 ही ओवर में पवेलियन भेजकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 28 रन खर्च कर 3 विकेट हासिल किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।